सो हेलो गाइज, वेलकम टू द क्रिकेट सुपर फैंस। पाकिस्तान टूर ऑफ वेस्ट इंडीज 2021। दोस्तों पाकिस्तान की टीम वेस्ट इंडीज़ का दौरा करने जा रही है, जहां पाकिस्तान वर्सेज वेस्ट इंडीज़ के बीच वेस्ट इंडीज़ में खेले जाएंगे काफ़ी ज़बरदस्त और रोमांचक सीरीज, जहां पर पहले 5 T20 मैचों की सीरीज खेली जाएगी पाकिस्तान वर्सेज वेस्ट इंडीज़ के बीच। उसके बाद आखिर में 2 टेस्ट मैचों की सीरीज खेली जाएगी। यहां पर कोई भी वन डे मैचेस नहीं खेले जाएंगे, जहां अभी सीरीज के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी कि PCB ने T20 की अलग टीम और टेस्ट की अलग टीम अनाउंस कर दिया है। टीम ऐलान हो चुका है वेस्ट इंडीज के खिलाफ होने वाले T20 और टेस्ट सीरीज के लिए, जहां पर कई सारे जबरदस्त यंग प्लेयर की वापसी हुई है, कई सारे शानदार खिलाड़ी को शामिल किया गया है पाकिस्तान की टीम में वेस्ट इंडीज के खिलाफ। तो वहीं वेस्ट इंडीज की भी खतरनाक टीम स्क्वाड पहले ही अनाउंस हो चुकी थी। तो इस वीडियो में आज हम आपको बताने वाले हैं पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज दोनों ही टीमों के कन्फर्म टीम स्क्वाड प्लेयर लिस्ट, और साथ ही साथ इस सीरीज के पूरे कन्फर्म शेड्यूल आपको बताने वाले हैं कि सभी मुकाबले कब और कहां और कौन से स्टेडियम में खेले जाएंगे। तो शुरू से लेकर लास्ट तक पूरे वीडियो देखते रहें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, साथ ही हमारे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पेज, टेलीग्राम चैनल और फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो कर ले, क्योंकि यहां पर भी बैक टू बैक क्रिकेट की हर छोटी बड़ी अपडेट सबसे पहले दी जाती है, जो कि सभी पेजों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब बढ़ते हैं वीडियो की ओर। तो पाकिस्तान वर्सेज वेस्ट इंडीज के बीच सीरीज स्टार्ट होने वाली है 27 जुलाई 2021 से और 24 अगस्त 2021 तक ये सीरीज खेली जाएगी। सबसे पहले 5 T20 मैचों की सीरीज होगी, उसके बाद आखिर में 2 टेस्ट मैचों की सीरीज खेली जाएगी। तो सबसे पहले देखते हैं इसका कार्यक्रम शेड्यूल क्या है, उसके बाद आखिर में आपको बताएंगे टीम स्क्वाड दोनों ही टीमों का। तो पहला T20 मैच 27 जुलाई को खेला जाएगा बारबाडोस के केनिंगस्टन ओवल स्टेडियम में। दूसरा T20 मैच 28 जुलाई को बारबाडोस के केनिंगस्टन ओवल स्टेडियम में ही पाकिस्तान वर्सेज वेस्ट इंडीज के बीच। तीसरा T20 मैच 31 जुलाई 2021 को गुआना के गुआना नेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा पाकिस्तान वर्सेज वेस्ट इंडीज के बीच। चौथा T20 मैच 1 अगस्त को खेला जाएगा गुआना के गुआना नेशनल स्टेडियम में ही। उसके बाद पांचवा और आखिरी T20 मुकाबला 3 अगस्त को खेला जाएगा गुआना नेशनल स्टेडियम में ही पाक वर्सेज वेस्ट इंडीज के बीच। अब इसके बाद 2 टेस्ट मैचों की सीरीज स्टार्ट हो जाएगी। पहला टेस्ट मैच 12 से लेकर 16 अगस्त तक खेला जाएगा जमैका के सबीना पार्क स्टेडियम में। दूसरा और आखिरी टेस्ट मैच 20 अगस्त से लेकर 24 अगस्त तक खेला जाएगा जमैका के सबीना पार्क स्टेडियम में ही। तो ये थोड़ा पूरा कंफर्म शेड्यूल पाकिस्तान वर्सेज वेस्ट इंडीज के बीच होने वाली सीरीज का। अब अगर हम बात करें सीरीज के लिए दोनों ही टीमों का पूरा कंफर्म टीम स्क्वाड प्लेयर लिस्ट, तो पाकिस्तान का T20 टीम स्क्वाड कुछ इस तरह से वेस्ट इंडीज के खिलाफ होने वाले 5 T20 मैचों की सीरीज के लिए। नंबर 1 पर बाबर आजम कप्तान, नंबर 2 शादाब खान वाइस कैप्टन, नंबर 3 शाहीन शाह आफरीदी, नंबर 4 सरफराज अहमद, नंबर 5 हैदर अली, नंबर 6 हसन अली, नंबर 7 फहीम अशरफ, नंबर 8 मोहम्मद हाफिज, नंबर 9 मोहम्मद हसनैन, नंबर 10 अरशद इकबाल, नंबर 11 आजम खान जबरदस्त यंग प्लेयर, नंबर 12 शर्जील खान, नंबर 13 मोहम्मद नवाज, नंबर 14 उस्मान कादिर, नंबर 15 हारिस रौफ, नंबर 16 मोहम्मद रिजवान विकेट कीपर बैट्समैन, नंबर 17 इमाद वसीम, नंबर 18 मोहम्मद वसीम, नंबर 19 फगल जमान। तो ये पाकिस्तान के 19 खिलाड़ियों का कंफर्म और फाइनल टीम स्क्वाड वेस्ट इंडीज के खिलाफ। अब अगर हम बात करें वेस्ट इंडीज के पूरे कंफर्म टीम स्क्वाड के बारे में 5 T20 मैचों की सीरीज के लिए पाकिस्तान के खिलाफ, तो कुछ इस तरह से वेस्ट इंडीज का फाइनल टीम स्क्वाड, जो कि नंबर 1 पर कारन पोलार्ड कप्तान, नंबर 2 निकोलास पुरन वाइस कैप्टन, नंबर 3 फाबियन आलन, नंबर 4 डिवाने ब्रावो, नंबर 5 शेल्डन कॉटरेल, नंबर 6 फेडिल एडवर्ड्स, नंबर 7 एंड्रे फ्लेक्चर, नंबर 8 क्रिस गेल, नंबर 9 सेमरन हिटमायर, नंबर 10 जेसन होल्डर, नंबर 11 अकील हुसैन, नंबर 12 एवन लुइस, नंबर 13 ओबेड मोकी, नंबर 14 आंद्रे रसल, नंबर 15 लेंडल सिमंस, नंबर 16 केविन सिंक्लेयर, नंबर 17 ओसान थॉमस, नंबर 18 हेडन वाल्स जूनियर। तो T20 सीरीज के लिए ये दोनों ही टीमों का पूरा कंफर्म और फाइनल टीम स्क्वाड है। अब अगर हम बात करें 2 टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए दोनों ही टीमों का स्क्वाड के बारे में, तो पाकिस्तान का टेस्ट स्क्वाड कुछ इस तरह से वेस्ट इंडीज के खिलाफ है। बाबर आजम कप्तान, मोहम्मद रिजवान विकेट कीपर बैट्समैन और वाइस कैप्टन, मोहम्मद अब्बास, शाहीन शाह आफरीदी, सरफराज अहमद, आबिद अली, अजहर अली, हसन अली, नोमान अली, फवाद आलम, फहीम अशरफ, इमरान भट्ट, शहनवाज दानी, साजिद खान, जाहिद महमूद, मोहम्मद नवाज, हारिस रऊफ, अब्दुल्ला शफीक, नसीम शाह, सऊद शकील और यासिर शाह। तो ये पाकिस्तान का टेस्ट स्क्वाड है। बात की जाए वेस्ट इंडीज के टेस्ट स्क्वाड के बारे में, तो अभी तक वेस्ट इंडीज का सिर्फ T20 स्क्वाड ही अनाउंस हुआ है। टेस्ट सीरीज के लिए अभी तक वेस्ट इंडीज का टेस्ट स्क्वाड अनाउंस नहीं हुआ है। इस सीरीज को लेकर सभी अपडेट्स है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, अपना राय विचार जरूर दें।